गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हम चिपलून में, तो बेसिकली चिपलून से एक 20 किलोमीटर आगे गुहागर के साइड में, चिपलून गुहागर हाईवे पे। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं उठ गया जल्दी, बाकी सब लोग सो रहे हैं। 7-8 हो रहे सुबह के, और ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, तो यहाँ पे चल रही है बारिश सुबह सुबह। और ये हमारे प्रॉपर्टी के आगे का एरिया है, लाइक जस्ट चिलिंग एरिया। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, छोटा सा झूला जैसा है, उसमें मैं बैठा हूँ। और बारिश सुबह से चालू है, मतलब मैं सुबह 6:30 बजे कुछ नींद खुली और तब से बारिश चालू ही है। तो कोंकण बारिश के लिए फेमस है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। देखते क्या कंडीशन है आज, कैसे घूमेंगे, क्या घूमेंगे। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो आज पूरे प्रॉपर्टी का टूर कराता हूँ मैं। अभी थोड़ा बारिश रुकेगी तो मैं पूरा एंट्री गेट से पूरे प्रॉपर्टी का दिखाता हूँ, किस तरह प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कल से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। कल दोपहर को आए हम, दोपहर को नहीं, शाम को ऑलमोस्ट 5-5:30 बजे आए, और तब से यहीं पर है। तो अभी आज पूरा आजू बाजू एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे 2 बीचेस है, बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह है, सब दिखाते हैं आपको कैसे क्या होता है। चलो फिर, आप सभी को मैं रिसॉर्ट का टूर दे देता हूँ फ्रॉम गेट। तो ये गेट है, और यहाँ से आई गेस आपको रोड दिखेगा। हाँ, वहाँ से लाइक ऑलमोस्ट 50 मीटर आगे रोड है, तो वो थोड़ा कच्चा रास्ता, यहाँ से आना पड़ता है। और ये रही अपनी गाड़ी। तो फिर आप बी रोल में एंजॉय कीजिए पूरा टूर। रिसॉर्ट का पूल, तो बेसिकली अभी रिसॉर्ट में कोई भी नहीं है, तो इसके लिए पूरा पूल खाली पड़ा हुआ है। पूरे मतलब वो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी हमने 2 रूम लिए हैं, वही ऑक्यूपाइड है, बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। और ये भी कल रात को भैया ने ये चालू किया था, इसमें से पानी गिरता है। और वो जो देख रहे हो आप आगे, वो जो आपको दिख रहा है मेटल का, तो वो रेन डांस है। तो वो भी अभी बंद है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो यहाँ पे आपको पता होगा, जो चिपलून वगैरह एरिया में बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे लोग आ रहे नहीं थे, क्योंकि कनेक्टिंग यहाँ से चिपलून ही है। तो यहाँ पे फ्लड आने की वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसके लिए पूरा बंद ही था। आई गेस हम
पहले ये कोविड के बाद आने वाले सेकेंड लॉकडाउन के बाद, तो आपने इसके पहले तो बी रोल में पूरा देख ही लिया, बहुत लंबा चौड़ा बी रोल हो गया क्योंकि जगह भी बहुत लंबी है, रिसॉर्ट बहुत बड़ा है और पीछे बैकग्राउंड मतलब पूल के आगे वाला जो एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आगे इनके और प्लान्स है जिस हिसाब से उनको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आगे। तो अभी फ्रेश होते हैं, अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं, क्या टाइम हुआ है, 10 बज गए ऑलमोस्ट, तो फ्रेश होते हैं निकलते हैं, घूमना भी है सिर्फ रिसॉर्ट में नहीं रुकना दिन भर, कल सुबह फिर पूल में फिर से खेलेंगे। तो ये है प्रॉपर्टी, तो इसमें बेसिकली बंगलो है और इसमें अलग अलग टाइप के रूम्स है, अलग अलग टाइप या नहीं मतलब ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम है, ऊपर 2-3 रूम है, अभी आपको दिख रहा होगा ऊपर भी रूम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हाफ टेरेस है, ओपन सिटिंग एरिया वगैरह है, झूला वगैरह है वहाँ पर, सब घूम के आया, वो मैं कल दिखाता हूँ आपको पूरा कैमरा में। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये नीचे के 2 रूम लिए हैं, ये वाला एक और आई गेस ये वाला आपको दिख रहा है, ये तो ये 2 रूम लिए हैं हमने, ये ओपन बालकनी है सामने, सुबह यहाँ पे बर्ड्स आए हुए थे तो वो टक 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 कर रहे थे, सुबह जब मैं उठा था 7 बजे तब बर्ड्स आके टक टक बजा रहे थे, तो वही है मतलब एकदम ऐसा नेचर के पास है। और ये उसके आगे आई गेस ये तुलसी का पेड़ ही है, ये तुलसी का पेड़ है और बाकी ग्रीनरी है, जैसे आप वो बालकनी दरवाज़ा खोलोगे तो आपको ग्रीनरी दिखेगी, ऊपर वाले इसमें भी बालकनी है लेकिन नीचे वाला मेरे को बहुत सही लगा। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, तो अभी हम निकल रहे हैं, 11:30 हो गए सब ब्रेकफास्ट करके उठे, इतना लेट मैं जल्दी उठा था 7 बजे, फिर से सो गया थोड़ा टाइम पास करके, तो 10:15 बजे उठे हम लोग सब, फ्रेश हुआ और ब्रेकफास्ट अगर कर लिया, ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं पोहा उपमा ये सब खाया, चाय कॉफ़ी पिए और अभी निकल रहे हैं। और ये देखो गाड़ी की हालत पूरी कीचड़ कीचड़ पानी पानी सब, और गाड़ी ऐसी क्रॉस लगा के छोड़ दी, कोई था ही नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने बोला रहने दो, रात को मैं पूछ रहा था सीता लगाने, बोला रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी गाड़ी अंदर से भी गंदी है थोड़ी साफ़ कर लेते हैं यूज़ करने के लिए 1-2 दिन के, फिर उसके बाद घर जाके साफ़ करनी है। फाइनली पानी के दर्शन हो गए, ये रहा बीच, देखो क्या मस्त लग रहा है। तो वो वहां पे गाड़ी लगाई हमने और ये बीच, ये रहे सब चलते हुए आगे जा रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है बीच, कोई नहीं है बीच पे, वहां पे कुछ 1-2 लोग दिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ब्रिज बना रहे हैं मेरे ख्याल से, कुछ ब्रिज दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, वहाँ पे कुछ तो चल रहा है। तो बीच पे आ गए फाइनली, पास ही में था, और यहाँ के रोड की क्या बात करें, मतलब रोड अच्छे है बीच पे आने के लिए, वो अगर आने के लिए अभी बेलनेश्वर जाएंगे यहाँ से आगे, तो वही साइड होगा बेलनेश्वर, देखो बेलनेश्वर ये साइड कुछ आगे बीच होगा, तो यहाँ पे जो माउंटेन दिख रहे हैं उसके आगे वाले साइड पे बेलनेश्वर, यहाँ से कुछ होगा 15-20 किलोमीटर, तो इसके बाद उधर जाएंगे, अभी वॉक कर रहे हैं आगे, कुछ दिख रहा है हमको वहाँ पे, कुछ शैक जैसा दिख रहा है, तो वहाँ तक वॉक करके जाते हैं। और बीच पूरा खाली है लेकिन गंदगी बहुत है यार यहाँ पे, ये देखो पूरा यहाँ पे गंदगी फैली हुई है और पानी की आवाज़ तो मस्त आ रही है, मतलब इससे कुछ अलग ही वाइब आ रही है। तो चलते हैं अभी वहाँ पे, देखते हैं क्या है। मिथिले चप्पल पहन के खड़ा रहे, मिथिले इसकी चप्पल गंदी हो गई, वो चप्पल साफ, पैर गंदे हो गए, चप्पल साफ कर रहा है वो। और तुम लोग को कैसा लग रहा है खाली बीच पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। कोई नहीं दूर दूर तक, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ये साइड भी कोई नहीं है, एक उस तो काला आई गेस ऑयल है वहाँ पे, वो जो काम है वो ऑयल रिफाइनरी का कुछ चल रहा है मेरे ख्याल से, वो पूरा काला मतलब पूरे बीच पे वो एंड से लेके ये वाला एंड तक पूरा ये काला है ऐसा, पता नहीं मैंने हाथ में लेके भी देखा इसको, ये कुछ तार जैसा लग रहा है,
देखो स्टार जैसा लग रहा है वो, काला काला पूरा ऑयल है। तो चलो फिर अभी यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं और फिर लंच के लिए निकलेंगे। देखो ये बीच, बीच की गंदगी साफ कर रहे हैं और फोटोशूट चल रहे हैं इनका। गाड़ी आ गई बीच से, नया बोसले का चल रहा है फोटोशूट। मिथिलेश अपनी चप्पल साफ कर रहा है। हेलो दोस्तों, हर बार नहीं होता और मेरे को सब चल जाता है, मेरा तो पैर देखो ये ऐसे ही गंदे तो भी घूम रहा हूँ। मिथिलेश के पैर में पूरा वो ऑयल ऑयल लग गया। इनके फोटोशूट देखो, फॉलो करो इनको इंस्टाग्राम पे, मेरे को भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक होगा। देखो क्या रोड है मस्त कोकंस के। यही एक्सप्लोर करना है कोंकण में बारिश में। बहुत अच्छे अच्छे रोड्स है। अभी आपने इसके पहले देखा होगा एक मस्त नदी थी, पता नहीं क्या था, नदी थी लेकिन उसको एकदम टचिंग ब्रिज था। और अभी सब लोग अपने अपना फोटो खींच रहे कैमरा से, सबकी फोटोशूट चल रही है। और ये रोड एंजॉय कीजिए आप। फाइनली वेलनेश्वर पहुंच गए लेकिन बारिश चल रही है इसके लिए बाहर नहीं जा सकते। ये देखो बीच का व्यू यहाँ से, तो ये बीच पे भी कोई नहीं है। वेव्स बहुत बड़ी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है। वेव्स वहाँ पे भी बहुत थी, यहाँ पे भी ज़्यादा है। और हम सब मायूस होकर बैठे हैं गाड़ी में, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो मिथिलेश क्या एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे आगे ना कुछ तो दिख रहा है ऐसे पत्थर ऊपर आए हुए, तो आई गेस अगर जब ये पानी अंदर जाता होगा तो वहाँ पे जाके बैठ सकते थे। पता नहीं, अभी रुकते हैं बारिश रुकने तक, फिर उसके बाद बाहर जाके शूट करते हैं। ये है बाहर से बीच का व्यू और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम ये यहाँ पे छोटा सा एक ढाबा स्टाइल होटल था, तो यहाँ पे खाना ऑर्डर कर लिया है, तो अभी वो खाना आ जाएगा तो वो खा लेते हैं। लाइक होम स्टाइल खाना बना रहे, तो अंडा करी और चिकन थाली बोला है, वो आ जाएगा वो खा लेंगे। और व्यू देखिए यहाँ से क्या मस्त आ रहा है, ये साइड से भी एक व्यू है। ये देखिए अभी ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बारिश चल रही है, कैमरा में प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब देखिए क्या मस्त व्यू है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी लंच करते हैं हम लोग और मिलते हैं आपसे, देखते हैं आगे क्या प्लान होगा। ये आ गया हमारा खाना, मैंने चिकन मंगाया है, ये समृद्धि है, इसने एग मंगाया है। मिथिलेश का चिकन वो रहा और वो रहा नेहा का एग। तो अभी वो हाथ धोने गए, मैं भी हाथ धो लेता हूँ और फिर खाएंगे हम लोग खाना करके, मिलते हैं आपको। लंच हो गया, बारिश भी रुक गई है। तो ये रही हमारी गाड़ी और ये बीच। तो अभी बीच पे जाने का हमने प्लान कैंसिल कर दिया है, बहुत क्लाउडी है। लेकिन ये नंबर ग्लास है तो फिर मेरे को पहनना पड़ता है, व्यू चश्मा निकालने के लिए बहुत आलस आ रहा है। तो बीच जाने हमने कैंसिल कर दिया। और ये जो होटल है इसके बैक साइड मंदिर है, वेलनेश्वर का मंदिर दिखाता हूँ, कोई अगली साइड से दिखेगा। मंदिर बंद था, नहीं दिख रहा हो, देखो उसका कलश दिख रहा है मंदिर के ऊपर वहाँ पे, वो सिर्फ कलश दिख रहा है अभी। और ये है व्यू पूरा बीच का। आई गेस MTDC वहाँ पे ऊपर कहीं पे दो आ गई, बोर्ड दिखा था हमको बीच में MTDC के लिए, उसके बोर्ड से हमने आगे टर्न ले लिया। वहाँ पे बहुत गंदगी है तो नीचे जाने के लिए प्रॉब्लम भी आ रहा है और हमारे पैर भी सूख गए,
इसके लिए फिर अभी हम नहीं जाएंगे, लंच हो गया है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, अगर कुछ है रास्ते में या फिर डायरेक्ट रिसॉर्ट पे निकल जाएंगे। तो ये है वो वेलनेश्वर का मंदिर, मैं बोल जो रहा था, तो अभी मंदिर की एंट्री तो बंद है, बाहर से ही नहीं हुआ, यहाँ से एंट्री है लगता, नहीं बंद है एंट्री, अंदर लोग गए हैं लेकिन। देखो क्या व्यू है, देखो वहाँ पे रिसॉर्ट्स या घर वगैरह है, वहाँ पे पहाड़ पे देखो वो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, वहाँ पहाड़ पे बहुत मस्त घर है एक। तो ये लोकेशन है, ये लोकेशन है MTDC वेलनेश्वर, MTDC वेलनेश्वर का ये लोकेशन है, यहाँ पे इनके रूम्स है MTDC के अंदर, जो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है MTDC उनके रूम्स है। और यहाँ से व्यू देखो क्या मस्त है। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे रूम वगैरह लोगे तो बालकनी से व्यू आएगा, ये देखो यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे रिसॉर्ट है तो उसकी बालकनी, उसमें से डायरेक्ट सामने ये व्यू, मस्त है लोकेशन। और ये ख़तरनाक वाली बारिश, आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो बेसिकली बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ है, पतरा है ऊपर उसका आवाज़ है, और इन लोगों ने यहाँ पे चाइनीज़ मंगाया है, चाइनीज़ खा रहे हैं लोग, तो इनके लिए वेज में कुछ था नहीं, नॉन वेज में हमने फिश ले ली, तो वेज के लिए अभी ये लोग चाइनीज़ खा रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, इनका आ गया वो लोग खा लेंगे, हमने फ़िश खरीद के फ़िश कुक करने के लिए दे दिए। क्विक स्नैक हो गया इन लोगों का, तो अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे मेरे ख्याल से, 6:15 हो रहे हैं, तो अभी हम आ गए सुबह वाली फ्रेम में, तो सुबह यहीं से वीडियो चालू किया था, तो रिसॉर्ट में आ गए हम लोग घूम घाम के, तो दो ही बीच गए, बारिश चालू है, अभी भी बारिश चालू है, देखो पड़ ही रही है थोड़ी थोड़ी, अभी वहाँ पे चाइनीज़ खा रहे थे तो वहाँ पे भी बारिश लगी थोड़ी, तो फ़िश लेके आए जैसे मैंने बताया, तो फ़िश इनको दिया है कुक करने के लिए, कुक करके दे देंगे हमको रात तक डिनर के लिए, और अभी चलते हैं पूल में, थोड़ा चिल करते हैं, देखो आप शॉर्ट्स पूल के, अगर बारिश नहीं हो रही तो खींचेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा, तब मैं टॉर्च लाइट में ब्लॉक कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे टॉर्च लगाया हुआ है, तो इनकी लाइट चली गई ये लोकेशन की, ये प्रॉपर्टी की, तो पिछले आधे घंटे से लाइट नहीं है, बीच में आई थी 1-2-3 मिनट थी और फिर अचानक फिर से चली गई, पता नहीं अभी कब आएगी, उनको भी कोई आइडिया नहीं है, वो बोले रेगुलरली होती नहीं है, तो अभी ऐसे ही व्लॉग एंड करते हैं। तो हम लोग फ़िश वगैरह लेके आए, वो कुक करने के लिए दिया है, कल रात को भी फ़िश खाया, लेकिन कल रात का फ़िश हमने यहीं से ऑर्डर किया था, उसका बहुत लंबा चौड़ा बिल आया, अभी वो कल आएगा तो देखते हैं। तो अभी हमने मार्केट से फ़िश लेके आए, इनको कुक करने के लिए दिया है, तो वो अभी आ जाएगा, वो खाते हैं और फिर सो जाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, कार्ड्स वगैरह खेलेंगे और फिर सो जाएंगे, कि कल घर भी निकलना है, अभी घर का जर्नी भी कितना लंबा होगा पता नहीं, आते हुए 12 घंटे लगे, जाते हुए कितने घंटे लगेंगे पता नहीं, और कल निकलेंगे भी लेट, आते हुए 6 बजे निकलेंगे, कल ऑलमोस्ट 10-11 बजे निकलेंगे, तो देखते हैं फिर, करते हैं आज का दिन यहीं पे एंड। और कल मैं पूरे प्रॉपर्टी का अंदर से टूर कराता हूँ, रूम्स कैसे हैं, ऊपर टेरेस एरिया और बाकी सब चीज़ों का, तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।